टाटा डालमिया जैसे बड़े निवेशकों की मौजूदगी में सरकार ने कहा झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत निवेश के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि डालमिया भारत ग्रुप झारखंड में 758 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। झारखंड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है जो कि बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन करेगा। दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा टूरिज्म, एजुकेशन, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा आदि क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है ताकि राज्य की समृद्धि देश और दुनिया के सामने आ सके। उद्योग को बढ़ाने हेतु हम लोगों ने कार्यक्रम किए थे और उसमें कुछ सुझाव आप लोगों से मांगा था। कई सुझाव आपके तरफ से आए, कई महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए। हमारे राज्य में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित होने जा रहा है, तो बहुत जल्द इससे लग बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन की जाएगी। इसलिए हमारी सरकार पूरी तरीके से राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए उद्योग का जो मार्ग प्रशस्त करने जा रही है उसमें आपका सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहती है, आपका सहयोग लेकर। अब हम यही चाहेंगे कि और भी लोग बाहर से इन्वेस्ट करें झारखंड में, तो मैं आपकी तरफ से सबको आमंत्रित करता हूं। और हमारी जो ये इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ खत्म नहीं होगी। ये हमारा सिर्फ बोर्ड अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ का है और इसी साल में हमारी बहुत अनाउंसमेंट्स होंगी, बिकॉज हमारे बोर्ड में कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग हैं और वो आएंगे इसी साल में।